अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज औरंगाबाद में फिर एक हम लोग नए सेटअप पर आए, जहाँ पर हम आप लोगों को माशाल्लाह बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का साइन का शौक दिखाने वाले हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं माज भाई। उनके सेटअप पर हम लोग एफके गोट से ये सेटअप रन करते हैं और बहुत ही उम्दा क्वालिटी और काफ़ी उम्दा ब्लड लाइन के जानवर मेंटेन किए सानिन नस्ल में। कुछ जानवर दिखाएंगे आज आप लोगों को इनके सेटअप के हम लोग, और डिटेल्स इंशाल्लाह मैं ही आप लोगों को बता दूंगा, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना। और दोस्तों प्राइजेस शेयर कर देंगे हम लोग। सानियन एक ऐसी ब्रीड है जो कि लोगों को पता है थोड़ी एक्सपेंसिव होती ही है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी और इम्पोर्ट ब्लड लाइन होने की वजह से कई सारे बातें हैं इसमें। तो ये चीज़ है कि आप लोगों को प्राइस दिखा दिया जाएगा। जो इंटरेस्टेड है, जो जेन्युइन बायर्स है, आप लोग इन्हें कॉल करिए। इनके इस कॉल लग रहा नहीं है या उठा नहीं रहा है तो व्हाट्सअप करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो पूरी देखिए। तो दोस्तों देखिए, इस बकरे से शुरुआत करेंगे हम लोग। कई लोग होते हैं जो देखकर भी जान जाते हैं बकरों को, इनके नस्लों के बारे में। दोस्तों केवल 10 महीने का बच्चा है, और सानिन के बारे में हम लोग बता दें, लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती है। तो अगर इसके फादर के बारे में जानना है, पीके ब्लड लाइन से आता हुआ बच्चा है। माशाल्लाह फ्रेम साइज और जो पीके के ब्लड में जो बच्चों की पहचानत होती थी उसकी सिंग, 10 महीने में बच्चे के सिंग आप लोग देखिए। करीब से दिखाता हूँ मैं, ये जो एकदम स्ट्रेट हॉर्न्स आते हैं माशाल्लाह बच्चे के, और ये थिकनेस और उसकी जो ताकत है माशाल्लाह। और कान देखिए इसके माशाल्लाह, सिंग देखिए। अगर किसी को ब्रीडिंग करवाना है तो मैं बोलूँगा, देखिए लाइन से आ रहा हो बच्चा है, चेहरा वगैरह इसका जो चेहरे में रुबाब है बफ वगैरह देखिए। 10 महीने में लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है बकरों में, खास तौर से ब्रीडिंग के लिए। अगर आप लोगों को पता होगा बकरे डोमिनेंट रहते हैं, तो आप लोग उस हिसाब से बकरा देखिए अपने आप में खूबी दिखा रहा है। इसका चेहरा, इसका गुलाबीपन माशाल्लाह। फ्रेम व्रेम का साइज का बहुत बड़ा बकरा है, और आके देखना है आप लोगों को तो औरंगाबाद में मकसूद कॉलोनी में है। आने से पहले आप लोग भाई को इत्तला दे दीजिए, और आप लोगों को जैसा हो सकता है मैं तो वैसा दिखा रहा हूँ। इसका चेहरा देखिए आप लोग, बड़ा ब्रॉड और बफ भी है माशाल्लाह। और ये 10 महीने के सींग है दोस्तों। और अगर हम एक अंदाज़ा बोले इसका, तो तकरीबन 12-13 इंच के ऊपर आना चाहिए। बाकी इंशाल्लाह अगर आप लोगों को चाहिए मेजर करके तो वो भी मिल जाएगा। वेट वगैरह भी देखिए काफ़ी अच्छा हैवी नज़र आ रहा है। वेट की अगर हम लोग बात करें, हैवी साइज का बच्चा है माशाल्लाह। देखिए आप लोग इसका गुलाबीपन वगैरह, इसका जो अमाज भाई ने डिमांड रखा है वो है 90 से 1 लाख के बीच में है। और अगर इंटरेस्टेड हो तो इंशाल्लाह आप लोगों को फाइनल जो भी डील है वो कॉल पे बता देंगे। 90 से 1 लाख रुपए का उनका आस्किंग प्राइस है, इसी के बीच में रहेगा। ज़्यादा नेगोशिएट और ज़्यादा खिचखिच वाला काम नहीं है। आप लोग उनसे कॉल करके फाइनल पूछ लीजिए, या व्हाट्सएप पर आप लोग उन्हें पूछ सकते हो। ओवरऑल क्वालिटी देख लीजिए आप लोग बकरी की। इसके आगे कुछ और जानवर है जो कि इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाते हैं हम लोग। दोस्तों उसके बाद एक पट दिखा रहे हैं आप लोगों को। जेके लाइन से आती हुई ये पट है, और इसकी फ्रेम साइज कंडीशन आप लोग देख लीजिए। लोलक वाली बकरी है ये, काफी खूबसूरत सेटअप पर की बकरी है। औरंगाबाद क्लाइमेट में वेल सेट है, और 6 महीने में साइज वगैरह देख सकते हो आप। और इसका भी मैं आप लोगों को डिमांड बता दूंगा इंशाल्लाह। गुलाबीपन वगैरह देखिए इसका, और जो इसमें तैयारी है अभी से माशाल्लाह। कई बाहर से आप लोग मंगवा रहे हो, इंशाल्लाह आप लोगों को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी करवा देंगे। बाकी आगे की बातें आप लोग ओनर से डायरेक्टली कांटेक्ट करके कर लीजिए। और माज भाई ने जो इसका एक्सपेक्टेशन रखा है वो 35 से 40 हज़ार। एक प्रॉपर रेंज आप लोगों को नहीं बताया दे जा रहा है, बस एक आप लोगों को मार्जिन बताया जा रही है भाई। इनकेस कोई लेकर आगे बेचता है तो उस हिसाब से 35 से 40 की रेंज है। कॉल करने पर इंशाल्लाह आप लोगों को इसका फाइनल दिखाया जाएगा। कंडीशन देख लीजिए आप लोग जानवर की, पूरे सेट जानवर है, सेटअप के जानवर है, और माशाल्लाह काफी अच्छे नस्लों के जानवर है। इंशाल्लाह आगे भी कुछ बच्चे हैं वो भी आप लोगों को दिखाते हैं हम लोग। दोस्तों आगे बड़ा खूबसूरत और बड़ा प्यारा जोड़ा है, सानिन नस्ल का मेल फीमेल का जोड़ा है। शौक करने जैसे बच्चे हैं, प्योर इम्पोर्ट है ये। मदर एंड फादर बोथ आर इम्पोर्ट।
और एज के बारे में बात की तो 2.5 से पौने 3 महीने के बच्चे है ये। इनकी सींगों की थिकनेस के साथ साथ कान क्वालिटी देखिए, फुल गुलाबी बच्चे हैं। ये जो ब्लू बेल्ट है ये मेल है और रेड बेल्ट वाला फीमेल है। बहुत ही एक्सट्रीम क्वालिटी के बच्चे हैं। कान क्वालिटी के साथ साथ जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सींग की क्वालिटी भी दिखाता हूँ, मेल बच्चे की आप लोग देखिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल के सींग बड़े हैं, फीमेल के भी देख लिए एकदम स्ट्रेट हॉर्न्स है अभी से। माशाल्लाह आप लोगों को नजर आ रहा होगा, चारा वगैरह बिल्कुल खा रहे हैं, सेट है जानवर। दोनों भी साथ में ही देना है और शौक के लिए भी आप लोगों को आसानी रहेगी, ताकि दोनों बच्चे एक साथ रहते हो तो सेट भी होने में काफी आसानी हो जाती है। बच्चों की क्वालिटी देख लीजिए आप लोग, बहुत प्यारी चीज है। फीमेल के कान वान देखो, मेल के कान देखो, दोनों में आप लोगों को किसी भी प्रकार का कुछ भी कमी नजर नहीं आएगी क्वालिटी में। ये देखिए कान, इसके चेहरा पतला एकदम, जड़ से मोटे एकदम, और सींग अभी से देखिए एकदम सीधी जा रही है इसकी, खड़ी सींग। मास भाई ने इसका जो डिमांड रखा है वो है 70 to 75,000 रुपीज़। रेंजेस बताई जा रही है आप लोगों को, आप लोग कॉल या व्हाट्सएप करके फाइनल पूछ लेना। और जैसे बता रहा हूँ, सिंगल इसमें मेल या फीमेल नहीं मिलेगा, जोड़ी मिलेगी। और मैं जैसे रिपीट कर रहा हूँ, जोड़ी में लोगे तो सेट होने में और साथ में रहने में आसानी होती है बच्चों को। तो इसके आगे एक और बच्चा है लास्ट का, इंशाल्लाह वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। दोस्तों एक लास्ट जानवर है। दोस्तों कलर देखिए आप लोग, अल्पाइन है और कलर माशाल्लाह बड़ा ही यूनिक है। 4.5 से पौने 5 महीने की ये पट है। इसके ब्लड के बारे में बात करें तो ये भी डायरेक्ट इम्पोर्ट है दोस्तों। बकरी की क्वालिटी देखिए आप लोग, कान क्वालिटी, चेहरा, सींग वगैरह देखिए एकदम खड़ी सींग जा रही है इसके अभी से। चेहरे में ये जो पैच आया है इसकी जो खूबसूरती बढ़ा रहा है माशाल्लाह। आप लोग कलर पैटर्न के साथ साथ देखिए, कंडीशन वगैरह भी बहुत अच्छी है बकरी की। कान वान एकदम खड़े कानों में, और कलर जैसे मैं आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ, दोनों साइड से देखिए आप लोग, बड़ा सुपर कलर है एकदम एंटीना कानों में है। फ्रेम व्रेम देख सकते हो, 4.5 पौने 5 महीने की एज में। इसके मदर फादर दोनों भी इम्पोर्टेड है, बच्चा एक्चुअली इम्पोर्ट ही है। और इसका जो उन्होंने डिमांड रखा है वो 75 to 80,000 रुपीज़ की रेंज में है। आप लोग बेहतर रहेगा इनसे व्हाट्सअप करके फाइनल पूछ लीजिए। और आगे की जो भी जानवर है आप लोगों को जो भी पसंद आ रही है, स्क्रीनशॉट निकाल लेना तो बेहतर रहेगा, सामने वाले को भी समझ में आ जाए, चीज़ देख लीजिए आप लोग। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोगों को सारे जानवर जितने दिखाए पसंद आए, और माशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छा साइन इन का सेटअप का शौक दिखाया हमने। इंशाल्लाह आप लोगों को ऐसे ही बहुत सारे जानवर दिखाएंगे हम लोग। मिलेंगे अगले वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।